हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक पार्ट 49। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के 48 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के पार्ट अटेंड कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ पास में आए बेल आइकन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और सबसे पहले आप एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक अटेंड कर पाओ। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में बह जाओगे और भूल जाओगे लाइक करना। सो फटाक से एक लाइक कर दीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा सबसे पहला मानव निर्मित उर्वरक है। इन ऑप्शन में से सबसे पहला मानव निर्मित उर्वरक कौन सा है, फर्टिलाइजर। और ऑप्शन में दिए SSP, DAP, CAN या फिर MOP। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, उन सभी का आंसर राइट है। ये सबसे पहला मानव निर्मित उर्वरक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। आवश्यक पोषक तत्व लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। आवश्यक पोषक तत्वों में लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। और ऑप्शन में दिए वृहद पोषक तत्व, सुधारक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्विज नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, उन सभी का आंसर राइट है। जो लौह तत्व है इसको सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सा पोषक तत्व पौधों की वनस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है, वनस्पतिक वृद्धि में सहायता या हेल्प करता है, ठीक है। और ऑप्शन में दिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो बतलाइए इन ऑप्शन में से कौन सा जो पोषक तत्व है वो पौधों की वनस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि नाइट्रोजन, उन सभी का आंसर राइट है। जो नाइट्रोजन है पौधों की वृद्धि, वनस्पतिक वृद्धि करने में सहायक होता है या सहायता करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। याद रखिए बीजों में पूछा जा रहा है, वो भी सोयाबीन की, और क्या पूछा जा रहा है, प्रोटीन की मात्रा पूछी जा रही है। 8 से 10%, 18 से 20%, 36 से 40% या फिर 28 से 30%। तो फटाक से बताइए क्विज नंबर 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, यानी कि 36 से 40%, उन सभी का आंसर राइट है। सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की जो मात्रा है वो 36 से 40% पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। देश में राजस्थान की कौन सी तिलहन फसल का क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान है। और ऑप्शन में दिए सरसों, सोयाबीन, अलसी और मूंगफली। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए बतलाइए क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 5 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि सरसों, उन सभी का आंसर राइट है।
सरसों का राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पर, पर्ल मिलेट किस फसल को बोला जाता है? पर्ल मिलेट किस क्रॉप को बोला जाता है? बाजरा को, गेहूं को, मक्का को या फिर चावल को? चलिए बतलाइए क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 6 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, बाजरा मिलेट, उन सभी का आंसर राइट है। पर्ल मिलेट हम बाजरा की फसल को बोलते हैं, सो सभी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक होती है। ऑर्गेनिक जो खादें होती है ना, वो क्या सुधार करती है? मृदा के भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, जैविक गुणों में या फिर सभी गुणों में? तो बतलाइए क्विज 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 7 का यहां पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, ऑल ऑफ द अबो, उन सभी का आंसर राइट है। ये सभी गुणों को, जो कार्बनिक खादें होती हैं वो सुधारती हैं मृदा की, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका भौतिक, रासायनिक, जैविक, इन सभी गुणों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पर, कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है? उल्टार या पेक्लो, ब्यूट्राजोल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर इथाइलिन? तो बतलाइए ग्रियंस, क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर इग्रीडियंस, और क्विज नंबर 8 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, यानी कि साइटोकाइनिन, उन सभी का आंसर राइट है। ये जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है, सो याद रखिएगा, सभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पर, बरसीम फसल को उगाया जाता है किस पर्पज से? तेल के उत्पादन हेतु, दाल उत्पादन हेतु, चारा उत्पादन हेतु या फिर रेशा उत्पादन हेतु? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, बतलाइए क्विज 9 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीएंस, और क्विज नंबर 9 का यहां पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, चारा उत्पादन हेतु, उन सभी का आंसर राइट है, ठीक है। बरसीम का जो, बरसीम जो फसल है, क्यों उगाते हैं हम? तो चारा उत्पादन हेतु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आधार बीज का, प्रमाणित बीज का, सत्य चिन्हित बीज का या फिर मूल केंद्रक बीज का? तो बतलाइए प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टाइम ऑफ होता है डियर इग्रीडियंस, और क्विज नंबर 10, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब तक आधार बीज नहीं रहेगा तब तक प्रमाणित बीज का जो उत्पादन है वो नहीं किया जा सकता। सो क्विज नंबर 10 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए, आधार बीज। जिन्होंने ये आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। सो डियर एग्रीडियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।